हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में, जो एक मेजर ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। एंड मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के नाम से, आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख के समझ सकते हैं इजीली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को। तो आज बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसके एक्चुअली दो वे में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ओल्डर वे है एंड एक न्यूअर वे है। ओल्डर वे ये आला दिख रहा होगा, तो इसमें 7 सेगमेंट्स में बांटा गया है इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, दैट इज सर्वाइकल, पेट्रस, लेसिरम, कैवर्नोस, क्लेनॉइड, ऑप्थैल्मिक एंड कम्युनिकेटिंग। ओके, तो ये 7 सेगमेंट में बांटा है। एंड जो दूसरा वे है, जो अभी न्यूअर वे है क्लासिफिकेशन का, उसमें हम लोग को 4 पार्ट में बांटा है, जैसे सर्वाइकल, पिट्रस, कैवर्नोस एंड सेरेब्रल पार्ट। तो आज हम इसी वे में देखेंगे 4 पार्ट वाले में, एंड इस 7 सेगमेंट वाले में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये एक 3D मॉडल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की पोजीशन। तो ये पहले मैंडिबल एंड आपका ये स्कल बोन मैं निकाल देता हूँ, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द वेसल्स। अब आप देख सकते हैं, आप एंटीरियर व्यू देख रहे हैं इसमें, तो आप साइड में देखेंगे, ओके, जो इनवर्ड आ रही है एक आर्टरी, दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, ये ऑरेंज पार्ट में ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं कहाँ पे आती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और आप लेटरल व्यू से देख सकते हैं कि आपकी ये पोजीशन है कैसी है। ओके, तो इस वे में आपको समझ आ जाएगा, एंड आगे हम जब 2D की डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा समझने में। तो आपने अभी 3D मॉडल में देखा कि ये कैसा दिखता है, एंड आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि जो हम अभी बनाने वाले हैं 2D में। एंड ये एक फ़ोटो है 2D में, तो इससे भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा आपको कि ये एक्चुअली होती कहाँ पे है। तो अब इसे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफली अगर डायग्राम बनाएं तो, ओके, ये मैंने ऊपर के पहले 2 बनाए, ओके, नेमिंग में कर दूँगा, पहले एक बार बना देते हैं। ओके, तो ये कुछ इस वे में प्रेजेंट होती है। तो ये जो बेस लाइन है आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपकी थी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ओके, कॉमन कैरोटिड ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, एंड जो एक इस तरफ के लिए बांच आ गई आपकी आ गई, जो हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एंड जो ये ऊपर वाली ब्रांच जा रही है आप जो देख रहे हो, ये आपकी हो गई ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो इसे याद करने में हम लोग, जो हमने बोला कि हम 4 पार्ट्स वाले याद करने वाले हैं इस बार, तो उसमें पहले आपको डिवाइड कर देना है। तो डॉटेड लाइन से इसके 4 पार्ट्स करूँगा। ओके, एक यहाँ पर कर दिया, एक आपने यहाँ पर कर दिया, ओके, एक ये कर दिया। हम जब इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं कि ये मतलब ये हमें बताते हैं कि कौन से पार्ट से उस समय पास ऑन हो रही है, उस हिसाब से इन्हें हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और एक, तो हमारे पास 4 सेगमेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ये है एक, ये एक, ये एक, ये, तो इनके अब फटाफट नेमिंग कर देते हैं। जो आपका सबसे नीचे वाला ब्रांच है, जो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट, एंड ये आपका सर्वाइकल पार्ट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सर्वाइकल पार्ट। ओके, एंड ये प्रेजेंट होता है आपके नेक में। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट, इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट इसके ऊपर आता है आपका सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज़ द पेट्रस पार्ट। ओके, ये हो गया पेट्रस पार्ट, एंड ये आपका टेम्पोरल बोन के वहाँ पे होता है, टेम्पोरल बोन। ओके, यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिख दिया मैं, तो ये 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कैवर्नोस पार्ट, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, एंड ये आपका कैवर्नोस साइनस से होके गुजरता है। क्लियर, एंड जो आपका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है आपका, ये है सेरिब्रल पार्ट। ओके, सेरिब्रल पार्ट ये आपका फोर्थ, एंड ये आपका होता है कि
आफ्टर पासिंग द ड्यूरा मैटर, ओके आफ्टर पासिंग द ड्यूरा मैटर पे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेरेब्रल पार्ट आपका। तो ये हमने चार डिवाइड कर दिए इसके पार्ट, एंड अब देखेंगे एक एक में कि कहाँ से कौन सी ब्रांचेज आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आपका जो फर्स्ट पार्ट है रेडी सर्वाइकल पार्ट, यहाँ से कोई ब्रांच नहीं आती है, क्लियर, यहाँ से कोई ब्रांच नहीं आती है। ओके एक और चीज़ है कि जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ये एक्चुअली होता है डिवीजन थर्ड और फोर्थ आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ पे इसका डिवीजन होता है एक्सटर्नल कैरेटरी आर्टरी और इंटरनल कैरेटरी आर्टरी में, क्लियर। ओके यहाँ पे डिवाइड होता है इस रीजन पे, इस रीजन पे दो आपकी जो दो स्ट्रक्चर्स होती हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है कैरेटिड साइनस, ओके आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ओके कैरेटिड साइनस होती है एंड दूसरी होती है कैरेटिड बॉडी। जो कैरेटिड साइनस होती है ओके दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो एक यहाँ पे एक यहाँ मतलब ऐसे में प्रेजेंट होती है। ओके तो जो कैरेटिड साइनस है उसका काम होता है कि ये एक्ट करता है बैरोमीटर के जैसे, बैरोरिसेप्टर के जैसे, एंड यू नो फॉर डिटेक्टिंग द ब्लड प्रेशर चेंज। एंड जब दूसरी बात करें कैरेटिड बॉडी की, तो कैरेटिड बॉडी का क्या होता है, वो एक कैमोरिसेप्टर का काम करती है फॉर एसिड, यू नो अगर कोई एसिड डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में ब्लड में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इन दोनों का काम इतना ही है एंड इसका सिग्निफिकेंस भी इतना ही है। ओके एंड हमने बात करी थी सर्वाइकल पार्ट का कोई ब्रांच नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्रस पार्ट के, पिट्रस पार्ट में दो ब्रांचेस होती हैं। ओके तो वो टू ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं आपके, यहाँ पे तो नो ब्रांच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ब्रांच, ओके नो ब्रांच। अब इसमें हमने बोला कि इसमें होती है टू ब्रांचेस, टू ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक होती है आपकी कॉर्टिको टिम्पैनिक ब्रांच, ओके एक हो गई कॉर्टिको टिम्पैनिक ब्रांच, एंड आपकी दूसरी हो गई ट्रिगोइड ब्रांच, क्लियर। ये दो आपकी ब्रांच हो गई इसकी पिट्रस पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे कैवर्नस पार्ट की, कैवर्नस पार्ट में भी दो ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बड़ा लिख दिया दो, तो यहाँ पे भी टू ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। एक है आपकी कैवर्नस ब्रांच टू, सॉरी ट्राई जेमिनल ब्रांच, सॉरी गैंग्लियन, ओके कैवर्नस ब्रांच टू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, एंड इसका दूसरा होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यहाँ पे स्पेस नहीं एक्चुअली, हाइपो फेशियल आर्टरी, ओके तो वो कौन सी है सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपो फेशियल आर्टरी। तो इसकी भी हो गई दो ब्रांचेस, इसकी भी दो हो गई ब्रांचेस, एंड सर्वाइकल पार्ट की जीरो ब्रांचेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रल ब्रांच, सॉरी सेरिब्रल पार्ट की फोर्थ पार्ट, इसकी होती हैं टोटल फाइव ब्रांचेस। ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दी फाइव ब्रांचेस। अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक तो नहीं है पर आप याद रख सकते हैं कि भाई सिक्वेंसिंग वाइज उपमा क्या याद करेंगे, ठीक है उपमा, हम खाते हैं ना उपमा, तो ओ ठीक है वो यूज़ होता है पर यहाँ से याद करने के लिए ओ पी एम ए ए उपमा। आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आपका जो सबसे पहला है ओ से, तो यहाँ पे मैं नंबर वन लिख देता हूँ, आपका ओ से आएगा ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहाँ पे आ गया ऑप्थेल्मिक आर्टरी, आईज को जो सप्लाई करेगा। नेक्स्ट इसका आता है पी, पी फॉर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ए आर आर्टरी के लिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपकी आती है, हमने एम देखा तो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ओके मिडल सेरिब्रल आर्टरी। नंबर फोर पे आते हैं आपके एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सॉरी यहाँ पे जगह इतनी नहीं हो पाई पर आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके तो हो गई ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंड जो फिफ्थ आपके लास्ट वाली होती है ओके दैट इज़ द एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, कौन सी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ओके यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो जाता तो मैं यहाँ पे रिटर्न में आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन में भी दिख रहा होगा ये सब आर्टरीज, पाँच आर्टरीज अच्छे से। तो
आपको अगर जैसे पोस्टीरियर कोमिक आर्टरी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये सब भी आर्टरीज आपको अच्छे से देखनी है कहाँ पे होती हैं, तो ये सर्कल्स ऑफ विल्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसका भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप आराम से देख सकते हैं एंड ईजिली आपको याद हो जाएगा सर्कल ऑफ विल्स भी। तो ये आर्टरीज वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो उसका फॉर्मेशन करती हैं आपका। ओके, तो यही था इंटरनल कैरेटरी आर्टरी। तो आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हमने कैसे चार पार्ट में डिवाइड किया ऐसे एंड उसकी ब्रांचेस देखी, जैसे सर्वाइकल पार्ट की 9 ब्रांचेस, यू नो पेट्रस पार्ट की आपकी देखी 2 ब्रांचेस देखी, कैवर्नोस पार्ट की हमने 2 ब्रांचेस देख ली एंड आपकी सेरिब्रल पार्ट की 5 ब्रांचेस होती हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हाँ कमेंट भी ड्रॉप करना कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियोज़ देखनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।